नमस्कार दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी चैप्टर में आपका स्वागत है। एंट्रोपी चैप्टर की थ्योरी हमने पहले डिस्कस कर ली है। मैंने उसमें चार क्वेश्चंस अपलोड किए थे जिसके आंसर्स मैंने लिखे थे और आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो वो चारों क्वेश्चंस मैं वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होंगे। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि दो बॉडीज है, ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉडीज है ऑफ इक्वल मास एंड अ स्पेसिफिक कैप हीट सी। तो दो बॉडीज पहले आप बना लो यहाँ पे, ठीक है, जिसका मास एम एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी सी है। इनिशियल टेम्परेचर टी वन है और यहाँ टी टू है, ये लिखना भूल गया था। तो टी वन और टी टू, इसका टेम्परेचर सपोज टी वन है, इसका टेम्परेचर टी टू है। यूज्ड एज ए रिजर्वायर फॉर हीट इंजन ऑपरेटिंग इन ए रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि एक इंजन के फॉर्म में इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से वर्क आउटपुट कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्यू वन हीट सपोज जा रहा है और यहाँ पे क्यू टू हीट सिंक में जा रहा है, ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया। तो बॉडीज में बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इफ द इंजन इंटरेक्ट विद द रिजर्वायर अंटिल दे अटेन द सेम फाइनल टेम्परेचर, देन डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल टेम्परेचर एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेंड। तो ये बोल रहा है कि ये टेम्परेचर टी वन है तो इसे हीट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ये रिजर्वायर जो है ना, ये इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी रिजर्वायर नहीं है, इससे हीट निकल रहा है तो इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है टी वन से धीरे धीरे, टी वन माइनस टी वन मैन डबल माइनस, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है टी वन से, और ये टेम्परेचर जो है टी टू से बढ़ता जा रहा है क्योंकि सिंक में हीट सिंक में जा रहा है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर सपोज फाइनल टेम्परेचर तब तक, और ये हीट, और ये तब तक इससे वर्क आउटपुट मिलता जाएगा जब तक ये दोनों टेम्परेचर सेम ना हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा तो वर्क आउटपुट मिलेगा। तो सपोज फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी एफ हो गया, ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर टी एफ हो गया तो वर्क आउटपुट हमें कितना मिल सकता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें मिल सकता है क्यू वन माइनस क्यू टू। क्यू वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी डी टी। डी टी क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी एफ। आखिर अगर टी वन टेम्परेचर ज्यादा है तो ये टी एफ से ज्यादा होगा और टी एफ जो है वो टी टू से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जा, इसमें हीट जा रहा है ना, तो हीट जा रहा है तो टी टू टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और टी वन टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि इससे हीट निकल रहा है। तो ये केस होगा। अब ये तो क्यू वन हो गया, अब क्यू टू क्या हो जाएगा, माइनस एम सी टी एफ माइनस टी टू। ये आ गया आपका मैक्सिमम हीट, यानी कि जब टेम्परेचर टी एफ फाइनल रहेगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एम सी, ये अगर कॉमन ले ले तो टी वन हो जाएगा, ये टी टू माइनस टू टी एफ, ये हो जाएगा। तो इसे एक इक्वेशन मान लीजिए वन। अब एक्चुअली ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये एक रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। एंट्रोपी चेंज जीरो यानी कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी जो होगा जीरो हो जाएगा। तो ये सिस्टम वन का मान लीजिए और ये सिस्टम टू का इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपका वन है, ये टू है दोनों बॉडी के लिए। तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वन के लिए क्या हो जाएगा, वन के लिए हो जाएगा एम सी डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन करना, प्लस एम सी डी टी अपॉन टी इसका इंटीग्रेशन करना। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, टी वन से टी एफ के लिए, और इसका हो जाएगा टी टू से टी एफ के लिए, इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा टी फाइनल इज इक्वल्स टू रूट अंडर टी वन टी टू। आप इसे सॉल्व करना, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग के फॉर्म में आ जाइए और ये आपका कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा तो टेम्परेचर तो फाइनल आ गया, फाइनल टेम्परेचर को इसमें क्या करना है, सिंपल पुट करना है। तो जब आप पुट करोगे तो वर्क मैक्सिमम निकल जाएगा, वर्क मैक्सिमम क्या जाएगा, एम सी टी वन प्लस टी टू माइनस टू रूट अंडर टी वन टी टू। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एम सी रूट अंडर टी वन माइनस रूट अंडर टी टू का होल स्क्वायर। ये सिंपल है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो रूट अंडर टी वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा। अब आप देखो अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो कहाँ गलती कर रहे हो, आप मिला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक फ्लूइड ऑफ मास एम टेम्परेचर टी टी वन, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर टी वन है, टेम्परेचर तो टी वन टेम्परेचर का ये एक सिस्टम मान लो, ठीक है, एम मास और सी इसकी कैपेसिटी। एक और सिस्टम है, सेम मास कैपेसिटी सेम बट टेम्परेचर टी टू, तो ये इंसुलेटेड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है,
कि ये टेम्परेचर जो है T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो इसमें सेम फ्लूड है दोनों में, तो इसकी सी जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, और इसे इक्वल अमाउंट भी है, तो मास m इसका है तो m इसका भी होगा, तो स्पेसिफिक हीट सी है, और इसका टोटल एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है इसका एक्सप्रेशन अगर ये मिक्स होता है इस समय। तो अगर ये मिक्स हो रहा है, सपोज ये बीच में जो बैरियर, ये बैरियर मैं किसी तरह से हटा दे रहा हूँ, सपोज ये लो मैंने ये बैरियर हटा दिया, तो क्या होगा, इधर से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर मिक्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मिक्स होंगे, तो ड्यूरिंग मिक्सिंग जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो हमें डिराइव करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सपोज फाइनल टेम्परेचर TF होता है, तो TF कहाँ से आएगा, जो हीट सपोज इसने एक इस सिस्टम से इधर कुछ हीट किया होगा Q1, और सपोज जितना हीट ये लिया है उतना ही हीट ये, जितना हीट ये सिस्टम 1 मान लो, ये सिस्टम 2 मान लो, तो जितना हीट सिस्टम 1 से टू में गया है, अगर इसे रिलीज हुआ है Q1 हीट, तो सेकेंड सिस्टम में कितना हीट जाएगा, Q1 ही तो जाएगा ना, मतलब जितना ये रिजेक्ट करेगा उतना ये गेन करेगा, तो इसमें चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी जो होगा 1 का वो क्या हो जाएगा, MC ΔT of 1 इज इक्वल टू MC ΔT of सिस्टम 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, MC MC तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, T1 minus TF equals to TF minus T2, तो T फाइनल क्या आ जाएगा, T फाइनल हो जाएगा T1 plus T2 by 2, ये आपका आ गया फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अब फाइनल टेम्परेचर तो आ गया, अब आपको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कैसे, तो DS क्या आ जाएगा, DS हो जाएगा सिस्टम 1 का प्लस सिस्टम 2 का, इन दोनों के बीच में, एक्सटर्नल तो हो नहीं सकता है ना, तो हम लोग सिर्फ इंटरनल वाला लेंगे, एक्सटर्नल तो इंसुलेटेड है सिस्टम, तो इसके कारण एक्सटर्नल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इसको ड्राइव करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका MC dT/T, पहले इंजन के लिए क्या, पहले डिवाइस के लिए क्या हो जाएगा, T1 से TF के लिए प्लस MC dT/T ये हो जाएगा T2 से TF के लिए, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 MC ln TF upon T1 T2 का रूट, ठीक है, यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ गया। अब आप T1 की टी सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, अब आप TF की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हो, तो यहाँ पुट करोगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 MC ln AM upon GM, अब AM GM क्या, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, TF की वैल्यू अर्थमेटिक मीन ऑफ T1 एंड T2, एंड T1 T2 जो होता है ये क्या होता है, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एंट्रोपी चेंज का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि देयर आर टू रिवर्सिबल हीट इंजन विच आर ऑपरेटिंग इन सीरीज, मतलब एक हीट इंजन ये है, सपोज यहाँ से कुछ वर्क आउटपुट निकल रहा है, एक हीट इंजन और है जो सीरीज में लगा हुआ है, इससे कुछ वर्क आउटपुट 2 निकल रहा है, तो सपोज इसमें अगर हीट 1 जा रहा है, ये टेम्परेचर T2 है, तो इसमें रिजेक्ट होगा Q2, सेम Q2 पे सीरीज पे लगा हुआ है एक और ये हीट इंजन, तो ये Q3, ये टेम्परेचर T3, तो ये बोल रहा है कि हमें निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर, यानी T2 निकालना है हमें, कब निकालना है, जब दोनों इंजन की इफिशियंसी सेम रहेगी, इफिशियंसी सेम क्या है, तो कैसे निकालेंगे, पहला हीट इंजन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इफिशियंसी ऑफ फर्स्ट हीट इंजन क्या होता है, 1 minus T2 upon T1, दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 minus T3 upon T2, ये दोनों एफिशिएंसी बोल रहा है सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, T2 upon T1 equals to T3 upon T2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 into T3 का रूट अंडर, यानी मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 T3, ठीक है, ये आ गया। अब सिमिलरली हम लोग दूसरे पार्ट को निकालते हैं, वर्क जो है वो सेम है, यानी कि W1 जो आ रहा है वो W2 के इक्वल आ रहा है, W1 कितना आ सकता है, W1 कितना आएगा बताओ, Q1 minus Q2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा, W2 कितना आएगा, Q2 minus Q3, और ये पहले बोल दिया है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहले तो इसको Q1 plus Q3 equals to 2Q2, तो टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 plus T3 equals to 2T2, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 plus T3 by 2,
यानी कि अर्थमेटिक मीन। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें डिराइव करना था एक एक्सप्रेशन, कमांड इफिशियंसी ऑफ टू साइकिल। ठीक है, तो दो साइकिल, पहले सबसे पहले तो दो साइकिल आप ड्रॉ कर लो कि दो साइकिल कैसे हैं, और वो भी सीरीज में है। देख लो यार, ये T1 हो गया, Q1 हीट जा रहा है इसमें, Q2 हीट रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर इंटरमीडिएट T2 है, फिर Q2 हीट के साथ एक और हीट इंजन मैंने डिजाइन कर रखा है, इससे वर्क आउटपुट W2 आ रहा है, इससे वर्क आउटपुट W1 आ रहा है, और ये एक और सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर रहा है जो कि T3 है। अब इसे कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये, मतलब बीच का सब कुछ अब भूल जाओ, मतलब ये एज्यूम कर लो कि एक सिस्टम सिंगल है जो T1 और T3 पे ऑपरेट कर रहा है, तो 1 माइनस T3 अपॉन T1 ये हो जाएगा कंबाइंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फर्स्ट इंजन का केवल क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, दूसरे इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस T3 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे करो, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ सेकंड इंजन इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू T3 अपॉन T1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 1 इक्वेशन को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, T3 अपॉन T1, तो इसे हम लोग T3 अपॉन T2 इंटू T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं, तो T2 T2 कट जाएगा और T3 अपॉन T1, ये तो इसी को हमने एक और तरीके से इस तरह लिख दिया, यही क्वेश्चन है ना, इसे लिखा है। अब T3 अपॉन T2 को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 से देखिए, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1। अब T2 अपॉन T1 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इक्वेशन 4 से देखिए, 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1, सॉरी ये 1 का है, ये एफिशिएंसी ऑफ 2, ये 2 का है। तो यहाँ से क्या गया, 1 माइनस कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस इंजन 1 की एफिशिएंसी इंटू 1 माइनस इंजन 2 की एफिशिएंसी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 1 इंजन प्लस एफिशिएंसी ऑफ सेकंड इंजन माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इंटू एफिशिएंसी ऑफ 2, ये आपका इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन था, हमने 4 क्वेश्चन लिखे थे, चारों क्वेश्चन डिस्कस करने थे, और ये चारों क्वेश्चन डिस्कस हो गए कंप्लीट। थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग।